हेलो गाइस, हेलो, और बहुत ज़्यादा आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसमें मैं हूँ और चेतना है और प्रोग्राम का नाम है यूथ जंक्शन। अपना नाम तो बता दो भाई। मेरा नाम सुन के क्या करोगे, वैसे भी तुम्हें मेरे नाम से बहुत ज्यादा चिढ़ है। भाई क्या करे, नाम इतना फनी सा रखा है, रेडियो दोस्त। अच्छा, आप रेडियो के दोस्त, मतलब कोई लॉजिक नहीं समझ में आता मेरे को। भाई रेडियो के जरिए मैं लोगों का दोस्त हूँ, समझा करो यार, लॉजिक समझा करो आप। तो आपने कभी समझाया नहीं ना लॉजिक, इसलिए पता नहीं है मुझे। वाह वाह वाह, क्या बात है साहब, समझने की कोशिश नहीं की और अपना खुद का वर्जन निकाल लिया। लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते भिड़ते, मतलब प्यार से लड़ते भिड़ते आपके सामने पिता पहुँचे हैं इस बहुत ज्यादा एनर्जेटिक शो में जो कि नौजवानों के लिए है और इसका नाम है यूथ जंक्शन। जी हाँ, यूथ जंक्शन। वैसे आज जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है। क्या है कि आजकल का जो जमाना है बड़ी तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी की तो बात हो ही गई। बहुत सारी हमारी टॉकिंग एटीट्यूड में, कहाँ हम पहले ब्रिटिश इंग्लिश बोला करते थे, अब हम अमेरिकन इंग्लिश बोलने लगे। पहले एजुकेशन बोला करते थे, अब एडुकेशन बोलते हैं। पहले कॉमर्स बोला करते थे, अब कॉमर्स बोला जाता है, है कि नहीं? पहले शेड्यूल बोला जाता था और अब स्केड्यूल बोलते हैं। काफी सारे वर्ड्स चेंज हुआ है, हर चीज चेंज हो गई। हालांकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ लोग भी तो बढ़े हैं ना। हाँ, ये तो है, है ना। जो स्टूडेंट्स हैं, ये क्या है कि हर साल कितने सारे लोग पास आउट होते हैं, कुछ लोग कोर्स करके पास आउट होते हैं। पढ़ना, पढ़ाई का जो दौर है ना, वो ऐसा चल पड़ा है कि हर कोई पढ़ रहा है और उसकी वजह से जो बच्चे हैं चाहते हैं कि हम अच्छी जॉब करें और अच्छे लेवल पर जाएं, तो ये चीज ज्यादा चलन में आ गई है। अब जो आज का जो विषय है वो ये भी नहीं है, बात ये है कि जब अच्छी जॉब नहीं मिलती है, जब ठीक तरह से आप अपना कोर्स नहीं करते हैं और फिर आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है जो कि आप सोच रहे थे, तो क्या होता है कि दिमाग में हो जाता है स्ट्रेस। बिल्कुल, और उसको मिटाने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए लोग एक चीज का सहारा लेते हैं और वो है नशा। जी बिल्कुल सही कहा, ड्रग्स का सहारा जो है आज का यूथ या हर कोई भी उम्र का इंसान हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, अगर वो स्कूल में पढ़ भी नहीं पा रहा है ना ढंग से, तब भी वो इस चीज का सहारा लेते हैं। और यही बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। हालांकि ये छोटा सा नाम है नशा या ड्रग्स, लेकिन इसका जो मतलब है ये बहुत गहरा है और पिछले 10-20 सालों में जिस तरह से लोग बहुत तेजी से इसके आदि होते जा रहे हैं, ये साबित करता है कि भाई अगर ऐसा ही रहा तो फिर देश का क्या होगा कि होलो। हमारे जो देश का युवा है वो नशे में धंसता जा रहा है और वहाँ से निकलने का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा। कुछ युवा ऐसे हैं जो इस चीज में पड़ जाते हैं, निकलना चाहते हैं बाहर लेकिन रास्ता नहीं पता, रास्ता नहीं पता। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे दोस्तों, और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो इस जंक्शन के माध्यम से कह सकते हैं जो कि एक मंच है। और आप ये बताइए कि आपका क्या नजरिया है अपने आसपास के माहौल के बारे में, अपने साथियों के बारे में, अपने बारे में हमें बता सकते हैं 9541296709 पर। ये चेहरे पर ये जो जहरीली मुस्कुराहट है, इससे क्या साबित होता है, जरा बता सकती हो? इससे ये साबित होता है कि मैं ना आपकी बात पर पंच मारने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए ठीक है, आप पंच मारिएगा। और इस बात पर भी हम पंच मारेंगे कि जैसे हम नशे की बात कर रहे थे, अब इस विषय पर हमारे पास मैसेजेस भी आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन मैसेजेस ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही सही बात कही चेतना मैम ने कि ड्रग्स में घुसने का रास्ता तो मिलता, निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी नौजवानों को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ ये तो है, है ना। बच्चे अक्सर देखा करते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है वो ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। दादा दादी जो है, दादा कहेंगे, दादा है, नाना है, कहीं ना कहीं वो लोग भी एक जमाने से पीते चले आ रहे हैं, उनका भी एक शेड्यूल रहता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं या पेरेंट्स हैं, ये जब नशा करते हैं या शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इनको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज्यादा रिलीफ मिलती है। हाँ, और ये एक कहते हैं ना कि वो लोग सोचते हैं कि अगर हमारे बड़े लोग बैठकर, जैसे पुराना टाइम था हुक्का पीते थे, तो उस चीज को भी देखकर ना लोग, मतलब एक वो सोचते थे कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बहुत अमीर घर का है, देखो कैसे शान से हुक्का पी रहा है। ये चीज जो थी ना वो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं हुआ करती थी। और जिस घर में हुक्का नहीं पिया जाता था ना, तो उसके बारे में ये मेंटेलिटी थी कि ये शायद थोड़ा लो लेवल के लोग हैं, ये हुक्का पीने की
इनकी हैसियत नहीं है, ऐसा जो है मैंने खुद सुना है। जब हम छोटे होते थे तो जब हम अपने नानी के घर जाया करते थे तब चलन था उस जगह पर उस एरिया में, और जहाँ हुक्का नहीं चलता था वहाँ बच्चे ऐसे ही बोला करते थे। और कहीं ना कहीं फिर जमाने ने प्रेरित किया आजकल के जमाने को, आजकल के नौजवानों को, कि भैया आप भी नशा करो तो कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल बन जाएगा और आपको जो अपनी स्ट्रेस है, जो अपनी प्रॉब्लम्स है, जो अवसाद है, उससे आपको थोड़ी सी मुक्ति मिल जाएगी। और इसी देखा देखी में नौजवान भी जो है वो शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। और फिर जब एक बार वो कहते हैं कि शौक के तौर पर या ओकेजनली अगर एक बार इस चीज को शुरू करते हैं तो फिर वो रोज का काम बन जाता है। सही बात है। दोस्तों अपने मैसेजेस जारी रखिएगा, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूनम दुआ जी का कि जिनका फोन आया था हमारे पास में, उन्होंने कहा कि आपके प्रोग्राम के टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने बहुत सारी हमें राय भी दी जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ, और वो फोन कॉल मैंने अटेंड की थी तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने रेडियो दोस्त की बहुत ज्यादा तारीफ की और उन्होंने ये कहा कि ये बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं और इनकी बातें, इनका प्रोग्राम अगर हर कोई देखता और सुनता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं समाज में चेंज जो है वो जरूर आ सकता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है इनकी बातें सुनकर कि चेंज आ सकता है समाज में, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इनके हर एपिसोड आप देखा कीजिए, सुना कीजिए, ताकि जो है कहीं ना कहीं अगर आपके आसपास या आपके फैमिली में कोई भी ऐसा है जिसे मोटिवेशन चाहिए तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव हो सकता है। भाई ये बदलाव तो हो चुका है, पहली बार चेतना ने मेरी तारीफ की है और मैं भी बड़ा खुश हूँ इस बात से। भाई अभी थोड़ी देर पहले चेतना मैम ने इतनी रिस्पेक्ट, क्या बात है, वाकई बदलाव आ रहा है क्योंकि आपने मेरी पहली बार जिंदगी में इतनी तारीफ की, वरना तो भाई लड़ाई होती रहती, लेकिन पहली बार तारीफ की। अगर आपको इतना ही अच्छा लगा ये तारीफ सुनकर मैं डेली कर दिया करूंगी, कोई टैक्स थोड़ी लगता है। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। और आपको जैसे चेतना ने बताया कि भाई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, और मैं बहुत सारी चीजें सेमिनार्स भी करता हूँ कॉलेजेस में जा जाकर, स्कूल्स में भी जाता हूँ मैं, और रेडियो पर भी मैं मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करता हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली भी मिलना चाहते हैं, कोई मोटिवेशनल बात करना चाहते हैं या मुझसे काउंसलिंग चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, नंबर वही है अलबत्ता जी 9541296709। अच्छा चेतना, एक चीज मैंने देखी, अक्सर मैंने देखा है कई बार ये होता है कि हम किसी दुकान में या चाय की दुकान पे खड़े हैं, मैंने कई बार स्कूल के बच्चों को भी देखा है जो बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं और वो जाके बोलते हैं जरा सिगरेट देना, और वो सिगरेट पीते हैं और बड़ा कश लगाते हैं और उसके बाद अपने स्कूल की तरफ निकल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले सिगरेट, और वो भी इतना छोटा सा बच्चा। भाई सर आपको एक मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस बताती हूँ। व्हेन आई वाज अ टीचर, ओके, क्लास होगी 6th या 7th, एग्जैक्ट क्लास तो याद नहीं है बट इतनी थी। एक बच्चा काफी देर से अपना जो रुमाल है वो ऐसे नाक पर रखकर बैठा था। मुझे लगा शायद इसे भी मेरी तरह कोल्ड बहुत ज्यादा रहता है इसलिए ये रुमाल मेरी तरह ऊपर रखकर बैठा है। मैंने उसे पूछा नहीं, दो दिन तीन दिन जब तक मैं क्लास में जाती रही मैं नोटिस करती रही रेगुलर उस लड़के को। एक दिन एक बच्चा था तो नेक्स्ट डे दो तीन बच्चे और हो गए उसके साथ। जब मैंने ये पूछना चाहा कि क्या हुआ है तो उन्होंने मुझे एक ही रीजन दिया कि मैम हमारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा एक साथ इतने सारे बच्चों की तबीयत कैसे खराब हो सकती है, एक ही बीमारी मतलब जुकाम की और एक साथ कैसे। तो मैंने उस क्लास की गर्ल्स से ये पूछने की कोशिश की कि ये चक्कर क्या है, शायद तुम अच्छे से जानती हो, तुम सारा दिन इनके साथ रहती हो। तो उन गर्ल्स ने मुझे बताया कि ये बच्चों को कोई जुकाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोल्ड वगैरह खांसी कुछ हुआ ही नहीं है। ये क्या करते हैं, फ्लूट व्हाइटनर जिसे बोलते हैं उसे उसमें डालकर रुमाल में वो सूंघा करते हैं क्योंकि उसमें नशा होता है। अच्छा। आयोडेक्स मूव वगैरह वो उस पर लगाते हैं और उसे सूंघा करते हैं। इतना ही नहीं, कहते ये तो जो सुबह ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं ब्रेड स्लाइस जो खाते हैं उसमें भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और उसे खाते हैं जिससे नशा होता है। बताइए कि पढ़ाई करने के जगह पर स्थान पर आप नशा कर रहे हैं और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, बहुत ही खतरनाक चीज है ये। और होता ये भी है कि पहले तो बड़ी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे नौजवान सीखते हैं नशा करना, वो करना शुरू करते हैं, फिर उनसे बच्चे भी सीख जाते हैं कि हमारे जब कॉलेज के जो भैया हैं वो कर सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते। और इवन की लोग तो पिक्स क्लिक करवाने में भी परहेज नहीं करते, सिगरेट के कष्ट लेते हुए अलग अलग पोजेस में वो पिक्स क्लिक करवाते हैं और फिर अपनी फैमिली में छोटे छोटे बच्चों को अगर दिखाते हैं तो बच्चों को तो लगता ही है ना क्या पोज है यार।
हमें भी ऐसा बनवाना चाहिए जी। और दूसरी बात यह कि जब अपने घर के अपने परिवार के बच्चों को जब लत लग जाती है तो हम कहते हैं जमाना जो है बड़ा खराब होता जा रहा है, लेकिन ये किया किसने? हम ही लोगों ने तो किया। दोस्तों आज का जो विषय है कहने को बहुत ही सरल शब्द है ये, लेकिन फिर भी इसका बहुत ही गंभीर परिणाम होता जा रहा है। और आप अपने आप को थोड़ा सा सोचिए और अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अगर आप भी ये सब कर रहे हैं तो, और हमसे बताइए 9541296709 पर। बात हो रही है नशे की। जी हाँ, नशा एक बीमारी है और बीमारी की तरह से ही पकड़ लेता है। अब पहला स्टेप जो होता है वो तो सिगरेट और शराब से शुरू होता है, जो कि नौजवानों को बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है और आकर्षित करवाने वाले करवाते भी हैं। लेकिन ये ऐसा भी होता है कई बार नौजवानों के साथ, और अक्सर होता है कि ये आगे बढ़ के ड्रग्स का रूप ले लेता है। बिल्कुल। फिर इसके बाद में न जाने हीरोइन, ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा, चरस, बहुत सारी चीजें, इंजेक्शन, बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को बर्बाद होते हुए कि लोग फिर इन चीजों के लिए घरों में चोरियां करते हैं, अपने ही घरों में इवन चोरियां करते हैं। और यहाँ तक कि नशे की हालत में इंसान को कुछ पता नहीं चलता है, कहते हैं कि उनका जो मानसिक संतुलन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो वो अपने घर वालों को ही हानि पहुंचाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, और उस वक्त उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हमने क्या किया है। लेकिन बाद में जो है ना, फिर जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें गलती का एहसास होता है, और उस वक्त तक जो है समय निकल चुका होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग यार उधार लेना शुरू कर देते हैं अपने दोस्तों से, साथियों से, सहेलियों से, कि भाई मेरे को उधार चाहिए। उधार वापस तो करना नहीं है, क्योंकि जब नशे पे खर्च कर रहे हैं तो आप उसका कहाँ से पेमेंट, हाँ वापस कहाँ से करेंगे? लेकिन जब भी, क्योंकि कहते हैं ना कैश नजर आता है तो दिल करता है कि अब तो उड़ाया जाए। और ड्रग्स के इस कदर आदि हो जाते हैं कि अगर उनको समय पर ड्रग्स ना मिले तो बहुत ज्यादा उनका शरीर कांपने लगता है, वो कंट्रोल में नहीं रहते। तो ये ऐसी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ, मैं मुंबई में मैंने देखा एक हमारे एक साथी थे, बहुत ही अच्छे संपन्न परिवार से थे जी। लेकिन उनको बहुत ज्यादा पीने की आदत थी शराब, वो बहुत ज्यादा पीते थे, हर रोज पीते थे, और जिन लोगों के साथ में वो पीने जाते थे उनको भी ले जाते थे साथ में, और थोड़ी देर के बाद में उनको भूल जाते थे कि वो कौन है। अच्छा। और उसके बाद वो हर रोज 4-5 हजार की शराब पी जाते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि अस्पताल में भर्ती हुए, जान पे बनाई, 20 लाख रुपए का बिल। उसके बाद में लौट कर तो आए लेकिन आज तक दवाइयों पे चल रहे हैं जी, है ना। तो क्या होता है कि आप 20 लाख 25 लाख रुपए फिर अस्पताल का बिल देंगे या फिर अभी अपने आप को कंट्रोल करेंगे, है कि नहीं? फायदा अभी कंट्रोल करने में है। और दूसरी बात ये है, अभी आप एक चीज बता रही थी कि गाने सॉन्ग्स जो आजकल चल रहे हैं, बेसिकली जो पिक्चर्स मूवीज होती हैं उनमें जब बार सीन दिखाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं इस चीज के लिए। जो सॉन्ग्स बनते हैं पैग के ऊपर या इस तरह के नशों के ऊपर, तो जो यूथ है ना वो कोशिश करता है फिर इन्हें करने की। वो सोचता है कि अगर ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। जब ये टीवी पर आ सकते हैं, नेट पर आ सकते हैं, पूरी दुनिया को इनके बारे में पता चल सकता है कि ये सॉन्ग आया है और उसमें ऐसे ऐसे सीन दिखाए जा रहे हैं जिसमें नशा करते हुए दिखाया जा रहा है हर वर्ग को, तो फिर हम क्यों ना करें, हमें कौन रोक सकता है। सही बात है। और कहते हैं ये सब इतनी चीजें जो दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छी होंगी और हमें भी ये तभी दिखाई जा रही है टीवी पर। देखिए, विवेक ही सबसे बड़ी जो है ना वो सीख होती है, और ये विवेक जो है आप में होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये तो सदियों से चला आ रहा है कि सही और गलत दोनों चीजें हमारे सामने, चुनना हमें है कि सही क्या है गलत क्या है। और कहते हैं ना कि जो गलत रास्ता होता है वो उस रास्ते पर मतलब कि हम जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन सही रास्ते पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ी मुश्किल सही, लेकिन आपको चुनना सही रास्ता है। अच्छा चेतना, आप कुछ कह रहे थे म्यूजिक के बारे में। हाँ, म्यूजिक को लेकर मैं बात करने वाली थी। रेडियो दोस्त क्या है, मैंने ये सुना है, हालांकि एक्सपीरियंस तो नहीं किया क्योंकि मैं नशे नहीं करती, तो लेकिन मैंने सुना है कि जो लोग नशे करते हैं और चाहते हैं इस चीज से दूर होना, तो म्यूजिक थेरेपी एक बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक जो है बहुत सारी बुराइयों से हमें दूर करने की कोशिश कर सकता है। जो अच्छे वाला म्यूजिक होता है ये हमें बहुत ज्यादा सुकून देता है, क्योंकि लोग नशे करते क्यों हैं, ज्यादातर तभी करते हैं जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नशे की तरफ जाने की बजाय अगर आप म्यूजिक की तरफ जाएंगे और इसका नशा अगर अपने ऊपर चढ़ाएंगे ना, तो मैं कहूंगी कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इस पर मुझे याद आई, हालांकि मैं पहले भी रेडियो पर कई बार इस बात को बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर से प्रसंग ऐसा आ गया कि मैं हिमाचल में था, सोलन में,
तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम है नील भट्टाचार्य। अच्छा। बंगाली थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो म्यूजिक के डॉक्टर थे। एक दिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलिए, मैं चल पड़ा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि म्यूजिक थेरेपी भी होती है। तो वो एक मरीज के घर पे गए, वो इंसान कई दिनों से बीमार था, उसने सब तरह के तरीके आजमा के देख लिए, एलोपैथी क्या, होम्योपैथी क्या, आयुर्वेदिक क्या, यूनानी क्या, जिसने जो कहा वो करके देख लिया। तो उन्होंने ये, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे जी। तो वो जब नील साहब गए वहां पर, उन्होंने अपना गिटार निकाला और उस इंसान के सामने म्यूजिक जो है वो बजाना शुरू किया, धीमे धीमे धुन बजानी शुरू की, साथ में गाना शुरू किया। तो आधे घंटे के उस सेशन में उस इंसान को जो तकलीफ थी उसमें मैंने देखा कि उसको सुकून मिल रहा है। लेकिन तो ये एक थेरेपी मैंने, उसके बाद में मैं 2-3 बार उनके साथ गया और मैंने जो पहले पोजिशन उस आदमी की देखी थी उसके बाद काफी परिवर्तन देखा। तब मुझे इस बात में यकीन हो चला कि भाई म्यूजिक भी एक थेरेपी हो सकती है। और शायद हम लोग इन्हीं बुराइयों से इसीलिए दूर हैं क्योंकि हम म्यूजिक से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों साथियों, अगर आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, और अगर आप इसको आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं। अगर आप खुद नशा करते हैं तो इससे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश कीजिए, म्यूजिक थेरेपी अपनाइए, और जो बाकी लोग हैं उनको भी कहिए कि वो भी इस थेरेपी को सुने। वैसे ये टॉपिक है ना, वो इतना लंबा है कि आज के प्रोग्राम में ये खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। तो अगले प्रोग्राम में फिर इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे पहलू बाकी है। परिवार जी, जो झेलता है नशा करने वालों व्यक्तियों को, सही बात, उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम में। फिलहाल समय कह रहा है कि इजाजत ली जाए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलिएगा, जिसका नाम है यूथ जंक्शन।